नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजनाथ, आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल इंडियन टेक स्मिथ। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्टेगनोग्राफी क्या होती है और इसकी मदद से हम कैसे किसी भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को किसी इमेज के अंदर कैसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं। तो स्टेगनोग्राफी का मतलब क्या होता है? स्टेगनोग्राफी का मतलब होता है कवर्ड राइटिंग। इसमें हम अपने सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को किसी भी फॉर्मेट के फाइल में, यानी कि चाहे वो वीडियो हो, फोटो हो या फिर कोई भी ऑडियो हो, उसमें हम स्टोर करके रख सके और इस तरह से जो कि वो डिटेक्टेबल ना हो। तो इसे ही हम कहते हैं स्टेगनोग्राफी। अब ये कोई नई चीज नहीं है, इसका यूज बहुत पहले से भी होता आ रहा है। तो बहुत पहले कैसे इसका यूज होता था? बहुत पहले जो है वो राजा महाराजा जो लोग होते थे, वो उनको अगर कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन दूसरे जगह पर पहुंचानी होती थी सिक्योरली, तो वो क्या करते थे, अपने किसी आदमी का बाल जो है वो शेव करके उसके सिर पर टैटू बना देते थे जो उनको सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पहुंचाना था। उसके बाद जब उसका बाल वापस से उग जाता था तब उसको वापस भेज देते थे, और जब वो वापस अपने दूसरे जगह पर जाता था तब उसके बाल फिर से शेव कर लिए जाते थे जिससे कि उसका सीक्रेट इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर लिया जा सके। तो बहुत पहले भी इस तरह के बहुत सारे प्रैक्टिसेस किए जाते थे। अब यहाँ पर एक नया टर्म आता है, क्या? क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी में क्या होता है कि पहले किसी एक पर्टिकुलर मैसेज को एकदम मीनिंगलेस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और उसके बाद जब उसकी जरूरत पड़ती है तो उसे फिर से डिकोड किया जाता है। तो ये तो हो गई क्रिप्टोग्राफी। अभी हम बात कर रहे हैं स्टेगनोग्राफी। अब जो स्टेगनोग्राफी है वो मालवेयर क्रिएटर्स के जरिए भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, जिसकी मदद से वो किसी भी हार्मलेस फाइल में अपना सीक्रेट डेटा, यानी कि कुछ भी वायरस वगैरह कुछ भी भेज देते हैं और यूजर इन्फेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि आप जब भी कोई इंटरनेट से फाइल डाउनलोड करो तो आप ये मत समझो कि उसमें कोई वायरस वगैरह नहीं है, उसमें कुछ भी अटैच हो सकता है। आपको जब भी कुछ डाउनलोड करते हो तो आपको किसी ट्रस्टेड साइट से ही डाउनलोड करनी चाहिए। तो स्टेगनोग्राफी की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है? स्टेगनोग्राफी में आपको आपकी एक कवर इमेज चाहिए होगी। कवर इमेज हम उसे कहते हैं जिसमें आप अपना डेटा स्टोर करना चाहते हो, ठीक है। और उसके बाद कभी कभी एक की भी होता है, आप अगर चाहो तो उसमें की भी लगा सकते हो। अब कवर्ड इमेज और आपकी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को मिलाकर हम अगर कोई दूसरी इमेज बना रहे हैं तो उसे हम कहेंगे स्टेगो इमेज। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप इमेज में कोई टेक्स्ट डाल के स्टेगनोग्राफी परफॉर्म कर सकते हो। स्टेगनोग्राफी के बहुत सारे टाइप होते हैं, ऑडियो स्टेगनोग्राफी, वीडियो स्टेगनोग्राफी, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि स्टेगनोग्राफी काम कैसे करता है। हम जानते हैं कि हमारा कंप्यूटर जो है वो 0101 यानी बाइनरी फॉर्म में हमारा जो डेटा है वो स्टोर करता है। तो उसका जो पहला डिजिट होता है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट होता है, यानी कि पहला जो डिजिट है उससे उस इमेज को बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और अगर हम बात करें उसके लास्ट डिजिट की, उससे उस इमेज को बहुत कम फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर हम एक इमेज का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए इमेज का एक बाइनरी डेटा है, तो यहाँ पर स्टेगनोग्राफी क्या करता है, आपका जो इमेज का जो लीस्ट सिग्निफिकेंट वाला जो डिजिट है उसको रिप्लेस कर देता है किससे, आपका जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है उसके बाइनरी फॉर्म से। तो इस तरह से स्टेगनोग्राफी काम करता है। और ऐसा नहीं है कि स्टेगनोग्राफी सिर्फ इसी मेथड से काम करता है, इसके बहुत सारे मेथड्स हैं। तो अगर आपको स्टेगनोग्राफी यूज करना है तो आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स का भी यूज कर सकते हैं, बहुत सारे आपको ऑनलाइन में सॉफ्टवेयर्स मिल जाएंगे, या फिर आप कमांड प्रॉम्प्ट का भी सिंपली यूज कर सकते हैं। अगर आपको एडवांस यूज करना है, अच्छे से यूज करना है, तो आप सॉफ्टवेयर्स का हेल्प ले सकते हैं, वरना आप कमांड प्रॉम्प्ट से भी ये काम कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक डेमो देने वाला हूँ जिसमें मैं आपको कमांड प्रॉम्प्ट की हेल्प से स्टेगनोग्राफी परफॉर्म करके दिखाऊंगा। उसकी मदद से मैं कोई भी एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को अपने इमेज के अंदर स्टोर करके दिखाऊंगा। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे हम लोग स्टेगनोग्राफी के जरिए कमांड प्रॉम्प्ट से किसी भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को किसी इमेज के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेरे पास दो फाइलें पड़ी हैं। यहाँ पर मेरे पास दो फाइल है, एक जेपीईजी फाइल है और एक है टेक्स्ट फाइल, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको मैंने ए के नाम से सेव करके रखा है और ये बी के नाम से सेव करके रखा हुआ है। जब मैं इस इमेज को ओपन करूंगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे चैनल का लोगो आ रहा है, ठीक है। अभी क्या है, अभी यहाँ पर मेरे पास दूसरा एक फाइल पड़ा हुआ है जिसका नाम बी है, b.txt। इसका अगर पूरा एक्सटेंशन आप देखें तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ पर आप एक्सटेंशन देख सकते हैं, .txt है, और इसका एक्सटेंशन भी आप देख सकते हैं .jpg है, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इस फाइल में क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है देर इज नो प्लेस लाइक 127.0.0.1, ठीक है। तो यही वो जो इन्फॉर्मेशन है जिसे मैं हाइड करने वाला हूँ। तो अभी हमें क्या करना है, अभी सबसे पहले हमें अपना कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है। कमांड प्रॉम्प्ट खोलने के बहुत सारे तरीके हैं, तो उनमें से आपको मैं एक बता देता हूँ। विंडोज प्लस आर का की आप दबाएं, उसके बाद यहाँ पर आप लिखें CMD, उसके बाद आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपको कुछ कमांड लिखना पड़ेगा जिसकी मदद से हम ये काम कर सकते हैं। तो इसमें डेस्कटॉप में आने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सिर्फ लिखना है CD, उसके बाद स्पेस देके डेस्कटॉप लिखना है आपको यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने CD डेस्कटॉप लिख लिया है। अब CD का मतलब क्या है, यहाँ पर CD का मतलब है चेंज डायरेक्टरी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डेस्कटॉप में आ जाएगा, फिर हम जैसे ही एंटर में करेंगे, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बगल में डेस्कटॉप लिखा हुआ आ रहा है, और यहाँ पर हमें एक सिंपल सा कमांड लिखना है, और वो जो कमांड होगा वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और वो कमांड मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सबसे पहले लिखना आपको कॉपी, स्पेस देके फॉरवर्ड स्लैश देना आपको, फिर बी, फिर स्पेस देके,
अब यहाँ पर आपको अपना कवर इमेज का नाम डालना है, तो मेरा कवर इमेज का नाम क्या है यहाँ, अब मेरे कवर इमेज का नाम जो है वो ए डॉट जे पी जी है, ठीक है, तो मैं वही यहीं पर डाल देता हूँ, तो मैं उसका नाम डाल देता हूँ। उसके बाद स्पेस देके आपको अपना वो सीक्रेट जो इन्फॉर्मेशन है जो कि इसमें स्टोर करना है वो लिखना होगा यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर स्पेस देके प्लस लिखना है, उसके बाद फिर स्पेस दीजिए, उसके बाद बी डॉट, और ये जो था ये जो बी वाला जो फाइल है यहाँ पर आप देख सकते हैं वो टेक्स्ट फाइल है, ठीक है, तो यहाँ पर बी डॉट टी एक्स टी टेक्स्ट का एक्सटेंशन है। उसके बाद यहाँ पर आप एक स्पेस दीजिए, उसके बाद एक ऐसा नाम डालिए जो कि आपके जिस नाम का जो फाइल है वो आपका डेस्कटॉप में है ही नहीं, जैसे कि सी डॉट जे पी जी। अब मैंने यहाँ पर जे पी जी इसलिए डाला क्योंकि यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि वो भी एक इमेज फॉर्मेट में ही रहे, मतलब कि अगर हम एक इमेज फाइल में कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं तो वो आगे जाकर इमेज ही रहे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर सी डॉट जे पी जी दिया है। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा ना कि अब देखिए ये जो ए डॉट जे पी जी है उसमें बी डॉट टी एक्स टी का फाइल जुड़ जाएगा और वो दोनों मिलके एक नया फाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा सी डॉट जे पी जी। अब यहाँ पर मैं एंटर करूँगा, यहाँ एंटर करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं वन फाइल कॉपीड, ठीक है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है और यहाँ पर आप डेस्कटॉप में देख सकते हैं कि एक नया फाइल आ गया है और इस फाइल का नाम है सी, ठीक है, बगल में उसका प्रॉपर्टीज में आप जाके देख सकते हैं एक्सटेंशन, यहाँ पर आपको डॉट जे पी जी मिल जाएगा, ठीक है, तो इसे रहने देते हैं हमें। अब मैं आपको ये जो इमेज है सी इसे मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने जो डेटा इस इमेज के अंदर स्टोर करके रखा हुआ है, जो हाइड करके रखा हुआ है, उसे मैं वापस से देखना चाहता हूँ, तो वो मैं कैसे करूँगा? आपको अगर ऐसा करना है तो आप सिंपली इसे राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करके आप ओपन विद में जाएं और नोटपैड पे जाएं। अगर आपको यहाँ पर ये ऑप्शन शो ना हो रहा हो तो यहाँ पर चूज़ डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम में जाएं और चूज़ डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम में करके आप फिर यहाँ पर इस बटन पे दबाएं और फिर नीचे से जाके आप सेलेक्ट कर सकते हैं आपको किस सॉफ्टवेयर से ओपन करना है, और ध्यान रहे आप यहाँ पर अनचेक कर दें, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है Always use the selected program to open this kind of file. इसे मैं हर वक्त तो किसी टेक्स्ट एडिटर से ओपन नहीं करना चाहूँगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि इसमें अनचेक कर दूंगा और फिर ओके करके इसे ओपन करूँगा, किसमें? नोटपैड से ओपन करूँगा, ठीक है, तो नोटपैड यहाँ पर चुन लेते हैं, उसके बाद ओके करेंगे। अब इसे ओपन करने के बाद आप यहाँ पर बहुत सारे ऐसे टेक्स्ट लिखे हैं जिनका कोई मतलब नहीं बन रहा है, तो आप यहाँ पर एक काम करें, आप यहाँ पर डायरेक्ट सबसे नीचे चले जाएँ, ठीक है, जैसे आप स्क्रॉल डाउन करके सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा आपने जो इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है देयर इज़ नो प्लेस लाइक 1 to 7.0.0.1 जो कि मैंने स्टोर करके रखा हुआ था। तो इस तरह से हम कमांड प्रॉम्प्ट से स्टेगनोग्राफी को परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कि हम क्रिप्टोग्राफी और स्टेगनोग्राफी को साथ में यूज करके अपने डेटा को और भी सिक्योर बना सकते हैं, तो हाँ वो ऐसा कर सकते हैं, अपना जो सीक्रेट डेटा है उसे पहले क्रिप्टोग्राफी से इनक्रिप्ट करके फिर उसे स्टोर कर सकते हैं अपने किसी इमेज वगैरह में, तो इस तरह से आपका डेटा और भी सिक्योर रहेगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कुछ डाउट्स रहेगा तो कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।